तुमने पहली पॉर्न कौन सी देखी थी? मैं एक स्लीप ओवर पर थी, 3 बजे कुछ स्पेशल सामने आया। अच्छा लगा, तू औरतें भी कर सकती है? 8 लोग बुजुर्ग महिला को गैंग बैंग कर रहे थे। कुछ भी पॉर्न हो सकता है। लगता है इंटरनेट के हर एलिमेंट पर पॉर्नोग्राफी का असर है। 2008 तक पॉर्नहब पॉपुलर हो गया था। मैं पॉर्नहब का नाम इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये घर घर पहुँच चुका है। लोग समझते हैं कि मैं मेनस्ट्रीम पॉर्न करती होंगी, पर मैं वीडियोस बनाती हूँ जैसे यूट्यूबर बनाता है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट है ये। ये कंपनी वही काम करती है जो फेसबुक करता है, यूजर्स का डेटा जमा करता है। कुछ लोगों को खुलकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका मतलब वो जानबूझकर सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं और इससे बहुत ज्यादा कमा भी रहे। जितनी खोजबीन करता जा रहा था, मेरी चिंता उतनी ही बढ़ रही थी। बच्चों के केसेस मिल रहे थे, उनके बुरे पल पॉर्नहब पर मौजूद थे। मैनेजमेंट जो कुछ कह रहा था, मैं उसी के भरोसे थी। हमें यही बताया गया कि ये झूठ है। इस इंडस्ट्री में काफी सफाई होनी बाकी है। उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि सेक्स वर्क और सेक्स ट्रैफिकिंग अलग अलग बातें हैं। सेक्स वर्कर्स इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म से गायब हो गए। 72% सेक्स वर्कर्स की इनकम ही खत्म हो गई। पॉर्न नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। ये सिर्फ पॉर्न पर हमला नहीं है, ये हमला है उन पर जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और सेक्स वर्कर्स का नुकसान होता है।